तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्कैम की जिसे जानने के बाद आपको नीरव मोदी और विजय माल्या के स्कैम्स छोटे बच्चे जैसे लगेंगे। इनफैक्ट अगर हम मोदी और माल्या के स्कैम्स को जोड़ भी दें तो भी ये वाला स्कैम दोनों को पार कर जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ 1992 के हर्षद मेहता वाले स्टॉक मार्केट स्कैम की, जहाँ उन्होंने 40 रुपए से 4000 करोड़ तक का सफर तय किया था। सोनी लिप पे आने वाली स्कैम 1992 वेब सीरीज भी उन्हीं के ऊपर ही आधारित है। तो स्वागत है दोस्तों आपका क्विक हिस्ट्री में। चलिए पहले जानते हैं कि हर्षद मेहता आखिर थे कौन। दोस्तों हर्षद मेहता मुंबई के एक अमीर और जाने माने स्टॉक ब्रोकर थे, जिन्होंने 1992 में 4000 करोड़ रुपए का स्टॉक मार्केट स्कैम किया था, जो कि आज के रुपयों के हिसाब से 24000 करोड़ रुपए बनेंगे। अगर हम नीरव मोदी के 11000 करोड़ और विजय माल्या के 9000 करोड़ को मिला भी दें तो भी इतने नहीं बनते हैं। पर उनकी कहानी को इंटरेस्टिंग ये बात बनाती है कि जब वो मुंबई में आए थे उनकी जेब में सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए थे। दोस्तों वो एक साधारण सी लोअर मिडिल क्लास गुजराती फैमिली से बिलोंग करते थे और छत्तीसगढ़ के रायपुर में पले बड़े थे और मुंबई अपनी बीकॉम की पढ़ाई खत्म करने आए थे। पर पढ़ाई में उनका मन लगता नहीं था, तो जैसे तैसे बीकॉम खत्म करके वो सेल्समैन की नौकरी करने लगे। कपड़ों से लेकर डायमंड्स तक वो हर चीज का सेल्समैन का काम कर चुके थे। पर उनकी जिंदगी ने लंबी छलांग तब मारी जब उनको न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में सेल्समैन की नौकरी मिली। वहीं काम करने के दौरान उनको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आने लगा और स्टॉक मार्केट का काम सीखने के लिए वो एक स्टॉक ब्रोकर के पास नौकरी करने लगे। कुछ साल काम करने के बाद उन्होंने अपनी खुद की एक स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी खोल दी, ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट के नाम से, और खुद एक स्टॉक ब्रोकर बन गए। यहाँ खत्म हुआ कहानी का पहला हिस्सा। अब जानते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा स्कैम आखिर किया कैसे। दोस्तों 1991 में हमारी देश की इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन हुआ था, यानी फॉरेनर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने की अनुमति दी गई थी। इससे हुआ ये कि देश में प्राइवेट सेक्टर ग्रो करने लगा और साथ ही प्राइवेट सेक्टर में फंड्स की डिमांड भी ग्रो करने लगी, और इसलिए सरकार बैंकों को ज्यादा से ज्यादा लोन देने को बोलने लगी। पर शर्त ये रखी गई कि जितना भी लोन बैंक देंगे उस लोन के अमाउंट का कुछ परसेंटेज के बराबर का हिस्सा बैंकों को गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए रेट है 10% और किसी बैंक ने 100 रुपए का लोन दिया, तो उस बैंक को 100 रुपए का 10% यानी 10 रुपए का गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। पर होता यह था कि एक एक गवर्नमेंट बॉन्ड की वैल्यू 100 करोड़ की होती थी। तो मान लीजिए कि किसी बैंक ने एक छोटा सा 1 लाख रुपए का लोन दिया, तो उसका 10% होता है 10,000 रुपए, तो उसको सिर्फ 10,000 रुपए का ही गवर्नमेंट बॉन्ड चाहिए। पर गवर्नमेंट बॉन्ड तो 100 करोड़ से नीचे के आते नहीं थे। इस दिक्कत से निपटने के लिए बैंकों ने एक तरकीब निकाली रेडी फॉरवर्ड डील के नाम से। इसमें होता क्या था कि अगर किसी बैंक के पास जरूरत से ज्यादा बॉन्ड पड़े हैं और किसी बैंक के पास जरूरत से कम, तो ज्यादा वाला बैंक कम वाले बैंक को 15 दिन के लिए अपने एक्स्ट्रा बॉन्ड उधार में दे सकता है ताकि उसकी जरूरत पूरी हो सके। पर इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी असली बॉन्ड का लेन देन नहीं होता था। ये किया ऐसे जाता था कि मान लीजिए एक बैंक है ए जिसे कि 4000 का बॉन्ड चाहिए और एक बैंक है बी जिसके पास 4000 के बॉन्ड एक्स्ट्रा पड़े हैं। अब बैंक ए क्या करेगा कि वो एक बैंक रिसिप्ट लिख के देगा बैंक बी को, जिसमें लिखा होगा कि उसने बैंक बी से 4000 के बॉन्ड उधार में लिए हैं और वो 15 दिन के बाद उसे लौटा देगा। और इस रिसिप्ट के बदले बैंक बी बैंक ए को 4000 रुपए देता था, और 15 दिन बाद बैंक ए 4100 रुपए बैंक बी को देके अपना रिसिप्ट वापस ले जाता था। ये जो एक्स्ट्रा 100 रुपए बैंक बी को मिले ये उसका प्रॉफिट होता था, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर उधार देने वाले बैंक को कोई प्रॉफिट होगा ही नहीं तो वो अपने एक्स्ट्रा बॉन्ड को उधार में देगा ही क्यों। अब यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, पर दिक्कत कहाँ हुई। दिक्कत यहाँ हुई कि जो बैंक रिसिप्ट और पैसे का लेन देन है ये डायरेक्टली दो बैंकों के बीच होना चाहिए था, पर काम को आसान बनाने के लिए और टाइम बचाने के लिए बैंकों ने ब्रोकर्स का सहारा लेना शुरू कर दिया। ब्रोकर्स कमीशन के बदले दो बैंकों को मिलाने का, उनका पेमेंट क्लियर कराने का और बैंक रिसिप्ट की डिलीवरी करवाने का काम करने लगे, और साथ ही साथ 15 दिन के डील के बाद पैसे वापस करने की गारंटी भी ब्रोकर की होती थी। इससे हुआ ये कि सारे बैंक्स ब्रोकर पे पूरी तरह डिपेंडेंट हो गए अपने रेडी फॉरवर्ड डील्स के लिए। अब शुरू होता है हर्षद मेहता का रोल इस पूरे प्रोसेस में। दोस्तों हर्षद मेहता भी यही वाला ब्रोकर का काम करते थे, पर वो इतने फेमस और भरोसेमंद थे कि धीरे धीरे बैंकों ने रेडी फॉरवर्ड डील के लिए एक दूसरे के नाम पे चेक बनाने के जगह हर्षद मेहता के पर्सनल अकाउंट के नाम पे चेक बनाने लगे, और हर्षद मेहता ने इसी भरोसे का फायदा उठाया। उन्होंने दो छोटे बैंक बैंक ऑफ कराद और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक के साथ मिलके फेक रिसिप्ट बनाए, यानी ऐसे बैंक रिसिप्ट जो महज एक कागज का टुकड़ा थे, और इन्हें इस्तेमाल करके वो बैंकों से अपने नाम पे चेक लेने लगे। जैसे कि मान लीजिए 5 बैंक है
तो जो बैंक वन है वो उसका फेक रिसिप्ट बना के बैंक टू को दे देते थे और बैंक टू से अपने नाम पे चेक ले लेते थे और वो पैसे अपने ही पास रख लेते थे। फिर 15 दिन बाद जब बैंक टू रिसिप्ट लौटा के अपने पैसे वापस मांगने आता था तो वो उस रिसिप्ट को बैंक थ्री को दे देते थे और थ्री से जो पैसे मिलते थे उसे बैंक टू को दे देते थे। फिर 15 दिन बाद यही वाला चीज़ वो बैंक फोर के साथ करते थे और फिर बैंक 5, 6, 7 और ऐसे ही वो फेक रिसिप्ट पूरे सिस्टम में घूमता रहता था और बैंकों को पता भी नहीं चलता था। इस स्कैम से उन्होंने बैंकिंग सिस्टम से पूरे 4,000 करोड़ रुपए निकाल लिए थे। अब ये तो हुआ सिर्फ एक स्कैम, पर इस स्टोरी में स्कैम के अंदर भी और एक स्कैम है। दूसरा स्कैम ये था कि जो पैसे उनको फेक बैंक रिसिप्ट वाले स्कैम से मिले थे वो उससे स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते थे। क्योंकि उनके पास इतना पैसा था तो वो एक कंपनी का इतना ज्यादा शेयर खरीदते थे कि स्टॉक मार्केट को लगता था कि उस कंपनी के शेयर की डिमांड बहुत बढ़ गई है, इसलिए स्टॉक मार्केट में उस शेयर की कीमत भी बढ़ने लगती थी। इसका एक एग्जांपल यह है कि ACC सीमेंट के शेयर जो 200 रुपए के आसपास बिकते थे, हर्षद मेहता के द्वारा शेयर खरीदने के बाद सिर्फ 2 महीनों के अंदर ACC के शेयर्स 9,000 रुपए के हो गए। यहां तक कि सेंसेक्स जो कि 2,000 पॉइंट्स के आसपास रहता था, 2 महीनों में ही वो 4,500 पॉइंट तक पहुंच गया। इस दौरान वो शेयर मार्केट के बिग बुल के नाम से मशहूर हो गए। वो जिस भी शेयर को हाथ लगाते थे उसका भाव आसमान छूने लगता था। ये सब काफी अच्छा चल रहा था बिना कोई रुकावट के, पर तकदीर ने बीच में ही हर्षद मेहता का साथ छोड़ दिया। उनका 12,000 स्क्वायर फुट का वर्ली में सी फेसिंग पेंटहाउस, 20 से ज्यादा इंपोर्टेड लग्जरी गाड़ियां और अचानक से आई अमीरी मुंबई के एक जर्नलिस्ट सुचेता दलाल का काफी ध्यान खींच रही थी। उनके पास इतना पैसा अचानक से आया कहाँ से, वो इस बात की इन्वेस्टिगेशन में लग गई। कहते हैं कि हर्षद मेहता के कुछ कॉम्पिटिटर्स ने उनको मार्केट से बाहर निकालने के लिए सुचेता दलाल को पूरे स्कैम के बारे में बताया और 23 दिसंबर 1992 को सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में हर्षद मेहता का पूरा स्कैम एक्सपोज कर दिया। इस स्कैम के एक्सपोज होने के बाद स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया और सारे इन्वेस्टर्स को पूरे 1,00,000 करोड़ का नुकसान हुआ। ये अमाउंट बहुत ही ज्यादा बड़ा था अगर हम ये सोचे कि हर्षद मेहता का स्कैम सिर्फ 4,000 करोड़ का ही था। इस स्कैम के सबसे बड़े शिकार वो लोग हुए जिन्होंने हर्षद मेहता की कंपनी के थ्रू शेयर खरीदे थे। इन लोगों के शेयर महज कागज बन के रह गए। ये स्कैम इतना बड़ा था कि फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया था, पर बाद में उनके इस्तीफे को मंजूरी नहीं मिली। और तो और स्कैम में हुए लॉस की वजह से विजया बैंक के चेयरमैन ने सुसाइड भी कर लिया था। स्कैम के बाद हर्षद मेहता को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कोर्ट में 72 क्रिमिनल केसेस और 600 सिविल केसेस फाइल किए गए और 3 महीने पुलिस कस्टडी में रहने के बाद आखिरकार उनको बेल मिल गई। और बाहर आने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खुलासा किया कि बेल दिलाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए का रिश्वत दिया था और साथ ही वो बैग भी दिखाया जिसमें वो ये पैसे लेके गए थे। हालांकि जांच में इस बात के कोई सबूत CBI को नहीं मिले। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात आपको बता दूं कि जब वो बेल में बाहर आए तब स्टॉक मार्केट की बाकी इन्वेस्टर्स की तरफ से उनको एक हीरो जैसा ग्रैंड वेलकम दिया गया। मुझे डाउट है कि नीरव मोदी और विजय माल्या को कोई ऐसा वेलकम देने का सोचेगा भी। पर ये खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं रुकी। सितंबर 1999 में उनको बॉम्बे हाईकोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई और 2 साल बाद 31 दिसंबर 2001 में थाने की जेल में उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। दोस्तों CBI की इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि शायद हर्षद मेहता महज एक बलि का बकरा बने थे जिनके स्कैम को एक्सपोज करके बड़े और ज्यादा पावरफुल लोगों ने इससे भी बड़े स्कैम से सबका ध्यान हटाने की कोशिश की थी। पर स्कैम कितना भी बड़ा हो एक ना एक दिन बाहर आएगा ही। हर्षद मेहता के मौत के बाद भी कोर्ट में उनके केसेस चलते रहे और आज की तारीख में उनके ऊपर लगे सारे क्रिमिनल केसेस में सुनवाई हो चुकी है, पर अब भी कुछ सिविल केसेस हैं जो स्कैम के 28 साल बाद आज भी चल रहे हैं। हर्षद मेहता के केस से हमें हमारे लीगल सिस्टम की स्पीड का भी पता चलता है, जो कि इतना स्लो है कि इस केस के दौरान हर्षद मेहता के भाई अश्विन मेहता ने 50 साल की उम्र में लॉ की पढ़ाई की और अपने भाई का केस आज भी लड़ रहे हैं। तो ये थी इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट स्कैम की कहानी, एक आम आदमी के 40 रुपए से 4,000 करोड़ तक की कहानी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।